नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम ऑब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का, जो 19 अप्रैल को हुआ था। जैसे कि पहला का आंसर देखेंगे तो पहला का पहला होगा, दूसरा का भी पहला और तीसरा का भी ऑप्शन चौथा होगा, सी ओ। फिर देखते हैं चौथा का ऑप्शन तीन होगा, पाँचवा का पहला ऑप्शन कि मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये पर केजी नापा जाता है, मतलब कि 1000 ग्राम हो जाएगा। उसी तरह छठा का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर तीन। सातवां का ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा। आठवां का आपका भी ऑप्शन नंबर तीन। नौवां का ऑप्शन नंबर एक। फिर दसवां का ऑप्शन नंबर दो। ग्यारहवां का इसका क्या पूछ रहा है, तो रिडक्शन टेक प्लेस एट एनोड, ये गलत है क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है। फिर बारहवां का एक। 13वां का आपका ऑप्शन नंबर चार, ठीक है, क्योंकि सूखा नमक या सॉलिड स्टेट में नमक तो गुड कंडक्टर नहीं है। फिर 14वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीन। 15वां का रोस्टिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। फिर 16वां का कैलामाइन किसका है, तो जिंक का है। फिर 17वां का ऑप्शन नंबर तीन। फिर 18 का ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। फिर 19 का ऑप्शन नंबर चार, फास्फोरस का कितना एटमिसिटी होता है, चार होता है, P4 जिसे बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ, तो इसका हो जाएगा ऑस्टवाल प्रोसेस। 20 का दो। 21 का फिर आपको हो जाएगा H3PO3। 22 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। 23 का हो जाएगा Mn+2। 24 का Fe, ठीक है, और ट्रांजिशन एनिमल में चारों आते हैं, लेकिन बाकी ये जो तीनों हैं ये बाउंड्री होते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार एफ ही ज़्यादा बेस्ट होगा। तो 25 का आपका तीन हो जाएगा, 26 का दो, 27 का फिर तीन, 28 का CH3I, मतलब ऑप्शन नंबर तीन, 29 का बेंजीन हो जाएगा, 29 का एक, 30 का दो, 31 का दो, 32 का एक, 33 का दो, 34 का एक और 35 का एक।